आए सुने चुटकला। एक भाई साहब ने एक ठाकुर साहब पैसे रुपये ले लिया 50,000। अब 50,000 रुपये ले लिया, एक साल हो गए उन्हें तय नहीं होने। अब उनने कर भेजा फोटो उनकी और पुलिस ने धुरे होती भगी। अब भगत जा रहे, पुलिस उन्हें तोड़ रहे, वकील साहब मिल गए। बोले काय भाई साहब काय भग रहे? अरे बोले यार फलाने दाव के रुपये ले लिया हमने 50,000 उन्हें रिपोर्ट कर दी। बोले एक काम करो तुम पुलिस के हाथे लग जाओ, हाजिर हो जाओ, कोर्ट में पहुंच जाओ। बोले यार वकील साहब तुम पिटमना करा दो हमारी। बोले तुम्हें अकल हम बता रहे, तुम जब साहब के सामने पहुंचो और साहब तुमसे पूछे तुमने पैसा लायका, बोले तुम्हें एक ही जवाब देने। बोले हमें कितने दो? बोले तुम बताओ। बोले 10,000 रुपये दे दे। बाबू ने ठीक 10,000 तो जा रहा है, 40,000 तो बच रहा है। बोले क्या करने? बोले जैसे ही तुम मजिस्ट्रेट साहब के सामने पहुंचो वे पूछे का पैसा लाए तो तुम्हें एक ही बात करने। बोले भय अब पप्पा ने मेरे से रात तो भेड़। बोले जतम बहुत अच्छी तरह से कर ले। बोले तो ठीक बन गई बना। अब हाजिर होगा जैसे बच्चा कोर्ट में पहुंचो और साहब ने पूछी क्यों तुमने राम निवास दाऊ से पैसा लाए का? वो बोलो भय। बोले क्यों पैसे लिए? बोलो भय। अब तीन बार पूछत मैं रस्ते। अब साहब बोले क्यों कहां से पकड़ के लाते बेचारे को? सीधा आदमी पागल है, किसी के पैसे ऐसे नहीं लिए इसने, बड़ी ले जाओ उसको। अब वकील साहब गेट पे ठाड़े कोर्ट के कचहरी के पे तजार। बोले 10,000 मिलने। वकील साहब बोले ले आओ। बोलो भाई। वकील साहब बोले यार का कह रहे हो? बोलो भाई। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है का? बोलो भाई। वकील साहब बोले जाओ भाई साहब हमारे जी बिलक हम से मिया आए भाई साहब।